दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड जो है वो कैसे हम एक एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पे जाके पिन भी बना सकते हैं जब भी आपको नया आपका क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या है कि प्ले स्टोर में जाना होगा। आप प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में आप जाके यहाँ पे आप सर्च कीजिए IOB क्रेडिट कार्ड। तो आप यहाँ देखेंगे IOB क्रेडिट कार्ड का आपको एक ऑप्शन आ जाएगा और IOB क्रेडिट कार्ड पे आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे प्रिसाइज लोकेशन वाइल यूजिंग द ऐप या ओनली दिस टाइम आप जो भी यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहे कर लीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक अलर्ट आ रहा है, इफ़ यू डोंट हैव एनी कार्ड अप्लाई हियर, मतलब आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे इस मैसेज को इग्नोर करूंगा और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट्स एट योर फिंगर टिप्स का भी ऑप्शन है जहाँ पे आपको ऑफर्स और फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस और क्या क्या फ़ायदे हैं यहाँ पे, इन सब में आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखाएगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जाके कि क्या क्या ऑप्शन मिलेगा। यूज़र मैनुअल है और बॉर्डर सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग वीज़ा कार्ड्स और रुपये कार्ड्स के लिए। तो फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे यहाँ पर लॉगिन करना, अपना कार्ड यूज़ करना है। तो आप यहाँ लॉगिन पे जाइए। यहाँ पे आपको लॉगिन पे जाने के बाद अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो पहले आप अपना पैन नंबर डालिए, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, फिर इसके बाद आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करिए। यहाँ पे अलर्ट आ रहा है कि इंश्योर वेदर द SMS इज सेंड थ्रू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए और उसी से SMS आपको जाना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे एक मैसेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे एक मैसेज पे यहाँ पे सेंड कर दीजिए, अपना सिम सेलेक्ट करिए जो नंबर आपका रजिस्टर्ड हो यहाँ पे। इसके बाद आप बैक आ जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई कर रहा है। और यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होते ही आपको नया यूज़र नेम पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आपको जो यूज़र नेम पासवर्ड बनाना है उसकी पॉलिसी दिया हुआ है, मिनिमम लेंथ जो है 7 करेक्टर होना चाहिए, करेक्टर मतलब ABCD। और इसके बाद आपका लेंथ शुड नॉट एक्सीड 15 करेक्टर, 7 से 15 करेक्टर होना चाहिए। इसमें जो है आपका ओनली अल्फ़ाबेट्स लेटर्स एंड नंबर्स, इस जो 7 से 15 के बीच में आपका जो भी करेक्टर होगा उसमें आपका अल्फ़ाबेट लेटर्स और नंबर्स आ सकते हैं। तो ये आपका यूज़र नेम की पॉलिसी है। और पासवर्ड की क्या पॉलिसी है कि मिनिमम जो 8 लेंथ का करेक्टर होना चाहिए और 15 तक हो सकता है मैक्सिमम। और इसमें जो है एक अपर केस होना चाहिए और इसमें स्पेसेस अलाउड नहीं है। और स्पेशल करेक्टर मस्ट नॉट अपीयर एट स्टार्ट और एंड, और स्पेशल करेक्टर मतलब डॉलर हैश और ये सब जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं वो आपका स्टार्टिंग और एंड में नहीं आना चाहिए। और आपका एक नोट में दिया हुआ है कि ओनली प्राइमरी कार्ड होल्डर्स कैन रजिस्टर फॉर क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग, मतलब जो प्राइमरी कार्ड होल्डर होंगे केवल वही रजिस्टर कर पाएंगे, कभी कभी एड ऑन कार्ड दिया जाता है वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अपना यहाँ पे यूज़र नेम बनाते हैं, मिनिमम 8 करेक्टर होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप अपना यूज़र नेम रख लीजिए, फिर अपना पासवर्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंफर्म पासवर्ड बना लीजिए जो आपने ऊपर डाला है तो ये कंफर्म नहीं होगा, फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करिए। तो दोस्तों अगर आपने सही यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आपने बना लिया है, एम पिन जो है आपको 4 डिजिट का होना चाहिए, आपके जो लॉगिन होगा उसको सिक्योर करेगा अकाउंट। अगर आपको पासवर्ड बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थैंक यू योर एम पिन हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ गया, अब आप यहाँ पे अपना एम पिन डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ऑलरेडी कार्ड आ गया, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट आ गया, क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिला हुआ है। और दोस्तों IOB ने बहुत सालों के बाद इतना अच्छा एप्लीकेशन दिया जहाँ पे आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखाई देगी, टोटल ड्यू, मिनिमम ड्यू, ड्यू डेट, और इतना ईजी लॉगिन प्रोसेस यहाँ पे था। ईजिली आप रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ पे आप पे भी कर सकते हैं और व्यू स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो यहाँ पे लेटेस्ट और पास्ट स्टेटमेंट आप दोनों देख सकते हैं। और यहाँ पे आप जाके नेट बैंकिंग के थ्रू अपना जो है क्रेडिट कार्ड का बिल जो है आप शेयर भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप नेट बैंकिंग के थ्रू जाकर अपना क्रेडिट कार्ड पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनको और भी ऑप्शन दे सकते हैं जैसे UPI के थ्रू यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आना चाहिए।
फर्दर शायद ये लेटर ऐड हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप क्विक एक्शन में जाके देखेंगे तो मैनेज कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे कार्ड को डिसेबल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन प्रेफरेंस दे सकते हैं, मतलब पॉस, ई कॉम, ATM और जो आपके कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन हैं उसको सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के बताऊंगा। आप कमेंट करिए अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बता। और ऑटो डेबिट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ऑटो डेबिट भी कर सकते हैं। जनरेट पिन में आप जाके यहाँ पे नया पिन आप बना सकते हैं अगर आप अपना पिन भूल गए हैं तो। दोस्तों काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दे दिया है यहाँ पे। अकाउंट समरी में देखते हैं कि अकाउंट समरी में क्या क्या ऑप्शन है। मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ, अकाउंट समरी में आप देख सकते हैं, कार्ड का प्रोफाइल है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है, कुछ आ रहा, कार्ड लिमिट, कैश लिमिट, पॉज, ई कॉम, ATM, कॉन्टेक्ट लेस, क्या क्या मतलब आपकी लिमिट है, सब कुछ यहाँ क्लियरली मेंशन आ रहा है। बहुत ही क्लीन UI दिया है यहाँ पे, इतना बढ़िया इंटरफेस यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट स्टेटमेंट, क्रेडिट डेट, लास्ट डेबिट डेट, सारा का सारा ऑप्शन। और यहाँ पे दोस्तों रिवॉर्ड पॉइंट का भी ऑप्शन है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी जैसे आपको प्राइवेट कंपनीज क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं, SBI में मिलते हैं, वैसे यहाँ भी आपको ये आराम से मिल जाएगा। और जो सबसे नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको लेटेस्ट ट्रांजेक्शन में मिल जाएगा। आप जाके यहाँ पे व्यू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन दिया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन जाके देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मेन्यू में आपका यूजर प्रोफाइल, सेटिंग, कार्ड एक्शंस, यूजफुल लिंक, टोकनाइजेशन भी दिया हुआ है। और यहाँ पे आप सेटिंग में जाके चेंज पासवर्ड, चेंज MPIN, बायोमेट्रिक लॉक, कार्ड एक्शन में एड ऑन कार्ड रिक्वेस्ट, मैनेज कार्ड्स, अकाउंट समरी, EMI ट्रांजेक्शन, एक्टिवेट कार्ड, सर्विस रिक्वेस्ट, और यूजफुल लिंक में प्रिविलेजेस, ऑफर ऑन कार्ड क्या है, और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, रिचार्ज टर्म्स एंड। तो एक अच्छा ऑप्शन दे दिया है दोस्तों यहाँ पे। और आप अपने प्रोफाइल में जाके शायद अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं, अभी शायद ये ऑप्शन नहीं है फ़ोटो लगाने का। यहाँ पे आपका एड्रेस, प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, सब कुछ आपका यहाँ पे मेंशन है। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है दोस्तों, एक ईजिली आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी बताइएगा रजिस्टर करके, और आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर रजिस्ट्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आता है, और कैसा लगा आपको ये सर्विस जो IUB ने दी, एप्लीकेशन बना के क्रेडिट कार्ड के लिए, जो बहुत दिनों से हमें ज़रूरत थी, अभी तक नहीं मिल रही थी, यहाँ पे ईजिली मिल गई है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये प्रोसीजर, ईजी था, नहीं था, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ज़रूर मैसेज करिए और आप अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर।